देखिए, हर इंसान महसूस करता है कि उसके अंदर को खैर का जज्बा भी है और शर का मादा भी है। खैर और शर की एक जौलान गाह है इंसान की शख्सियत का, जो अंदरूनी पहलू है उसके अंदर एक खैर और शर की कश्मकश मुसलसल चलती है। चुनाचे जदीद साइकोलॉजी ने भी, आपको मालूम है कि जिसके बाबा आदम अब फ्राइड शुमार होते हैं, उन्होंने इंड और लिबिडो, ये तो है हैवानी तकाजों के लिए, भूख लगती है, प्यास लगती है, कोई चटखारे भी, जबान जो चटखारे भी मांगती है, या ये कि जिनसी लज्जत है, तलज्जुज है जो इंसान हासिल करना चाहता है, या ये कि जैसे तमाम हैवानात को आराम की भी कुछ ना कुछ जरूरत होती है, इंसान को भी, ये तमाम उसके हैवानी तकाजे हैं। लेकिन उसके साथ ही वो कहता कोई ईगो भी है इंसान में, कोई तो खुदी भी है, कोई अना भी है, इंसान निरा हैवान नहीं है। अगरचे जो फलसफा डार्विन का है उसने तो इंसान को निरा हैवान बना दिया, वो तो उसके अलावा किसी और चीज को किसी दर्जे में भी तस्लीम और रिकग्नाइज ही नहीं करता। लेकिन फ्राइड का मैं कम से कम इस दर्जे में कायल हूं कि उसने तो वैसे इंसानी शख्सियत के तीन लेवल्स को रिकग्नाइज किया है, और वही तीन लेवल है जो कुरान बयान कर रहा है। अगरचे वो जो पहला लेवल है उसको तो यकीनन उसने सही समझा है, लेकिन दूसरे और तीसरे लेवल को वो सही तौर पर आइडेंटिफाई नहीं कर सका और एक दूसरे से मुमय्यज़ नहीं कर सका। यानी इड और लिबिडो ये तो हैवानी तकाजे हैं, जिसको कुरान कहता है नफ्से अम्मारा, इंसान का वो नफ्स की जो उसे बदी का हुक्म देता है, इसलिए कि जाहिर बात है पेट खाने को मांगता है, उसे इससे गरज नहीं कि हलाल है या हराम है। चटखारा जो है वो तो अपनी तस्कीन चाहता है, उसे इससे बहस नहीं कि कोई चीज जायज है या नाजायज है। शहवत का जज्बा जब बरंगेख्ता होता है तो उसे तो अपनी तस्कीन चाहिए, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन जिसे आप कहते हैं, सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन, उसे इससे बहस नहीं कि जायज रास्ता है या नाजायज रास्ता है। लिहाजा वो हद इतदाल से तजावुज करेगा, सही रास्ते से हटेगा, ये गोया कि उसकी अपनी उसकी सरिश्त के अंदर है। इसलिए इन नफ्सा ला मारतुन बिसू, ये इड या लिबिडो हो गया। दूसरा लेवल वो कहता है ईगो है, तीसरा वो सुपर ईगो कहता है। अगरचे कुरान मजीद ने इसके लिए तीन अलहदा इस्तेमाल इस्तलाहात इस्तेमाल की, नफ्स, कल्ब और रूह, तीन। सुपर ईगो असल में रूह है, लेकिन वो नहीं समझ पाया इसको, उसकी डेफिनेशन जो है सुपर ईगो की वो बड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन ये मेरा इस वक्त का मौजू नहीं है। इस वक्त मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि रिकग्नाइज करें कि ये इंसान के अंदर दो पहलू है जिनमें कशाकश है। इमाम मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे है, हर इंसान को महसूस होता है कि है। अब इसमें हर शख्स ये समझता है कि अगर कोई शख्स बा हिम्मत है, दुनिया में कोई बड़ा काम करना चाहता है, एक तो ये कि आम आदमी है, हैवानों की सतह पर बस अपने मुतकादे पूरे किए और जिंदगी बसर कर दी, बिता दी, जिसको मैं कहा करता हूं कि जिंदगी उसने नहीं बिताई, जिंदगी ने उसे बिताया है, जिंदगी ने उसे गुजारा है, उसने जिंदगी नहीं गुजारी। जिंदगी तो वो शख्स गुजारता है जो अपना कोई हदफ मुअय्यन करता है, कोई आइडियल, कोई आदर्श, कोई नस्मुल ऐन वो उसकी जिंदगी में है, जिसके लिए वो मेहनत करता है, भाग दौड़ करता है, उसके हुसूल की कोशिश करता है। अब जो शख्स भी अपने सामने कोई हदफ रखेगा, मकसद रखेगा, आदर्श रखेगा, उसे जो काम करना है उसमें उसे यकीनन अपने नफसानी तकाजों को मारना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। सारी रात सोएंगे अगर पांव फैलाकर तो जिंदगी में कहां ऊंचा मकाम हासिल करेंगे। आप अंग्रेजी में भी मुहावरा जानते हैं, बर्निंग मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट लैंप, सारी रात आधी रात जागकर काम करते हैं। तभी तो ये के जो हजरत अली ने भी कहा है कि यगूसुल बहर मन तलब अल आली व मन तलब अल उला सहर अल लयाली, जो शख्स चाहता है कि मैं मोती समंदर की तह में से निकाल कर लाऊं तो उसे जाहिर बात है कि उसे समंदर में गोता लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से जो जिंदगी में ऊंचा मकाम चाहता है उसे रातों को जागना पड़ेगा। वो मन तलब अल उला सहर अल लयाली वमन तलब अल उला मिन गैर कदिन अज़ा अल उम्र फी तलब अल मुहाली, बगैर मेहनत और कोशिश के अगर कोई शख्स चाहता है कि कोई ऊंचा मकाम हासिल हो जाए तो विशफुल थिंकिंग में वो अपनी जिंदगी जाय कर बैठता है, कोई ऊंचा मकाम हासिल नहीं कर सकता। गोया के कोई भी साहिब हिम्मत आदमी दुनिया में कोई काम नहीं कर सकता जब तक के अपने हैवानी तकाजों को जरा दबाए ना, काबू में न रखे, अपने कंट्रोल में न रखे। इसके लिए लफ्ज है सेल्फ कंट्रोल, जब्त नफ्स, यानी हमारे अंदर जो हमारी खुदी है, मानवी शख्सियत है। मैं इस वक्त ईगो और सुपर ईगो इन दोनों को जमा करके लफ्ज इस्तेमाल कर रहा, अना, ये जो हमारी अना है, मैं, ये मैं जो है यकीनन मेरे इस हैवानी वजूद से अलग अशय है। जब मैं कहता हूं मेरा जिस्म,
तो वो मैं कौन है जिसका कि ये जिस्म है, वो मैं कोई अलहदा शह है ना इससे। मेरी आंख, मेरे कान, मेरा सर, मेरे पांव, मेरा हाथ, मेरी टांगे, ये सब कुछ तो मेरा जिस्म, मेरा वजूद, मैं कौन है? वो अना है, वो खुदी है, वो ईगो है, वो सेल्फ है। तो ये जो खुदी है, ये जो सेल्फ है, ये जो अना है, ये जो ईगो है, ये अगर इतना कवि नहीं है कि वो अपने हैवानी तकाजों को कंट्रोल में रख सके, तो फिर जिंदगी में कोई बड़ा काम वो नहीं कर सकता। फिर जिंदगी उसे गुजार जाएगी, वो जिंदगी बसर नहीं करेगा। तो गोया के जब्त नफ्स हर साहिब हिम्मत और किसी भी साहिब मकसद इंसान के लिए लाजिम है कि वो अपने नफ्स को कंट्रोल करे। अब जाहिर है उसके लिए यही करना पड़ेगा ताकि हम अपने आप को खूगर बनाए, भूख का, प्यास का, सख्तियों का, रात को जागने का, मुशक्कतें झेलने का खूगर बनाए। तो रोजा गोया के बिल्कुल वाजे तौर पर सामने बात आ गई, और ये सबसे ऊंचा लेवल समझ लीजिए जिसको हम कहेंगे राइटिंग ऑन द वॉल। जैसे पानी जमीन पर हमें बहता हुआ दरिया का नजर आ रहा है, सरफेस वाटर, ये गोया के उसके मुताबिक सेल्फ कंट्रोल जब्ते नफ्स की एक मशक है रोजा। भूखा रहना, प्यासा रहना, ताकि हमारी खुदी, हमारी अना, हमारा सेल्फ, हमारी ईगो, वो हमारे इंड और लिबिडो पर, हैवानी तकाजों पर, उनके ऊपर पूरी तरह काबू याफ्ता हो। अब इसकी मिसाल यूं समझिए कि जैसे घोड़ा और उस पर सवार, ये हमारी खुदी या अना या सेल्फ जो है ये सवार है, और हमारा ये जिस्म घोड़ा है। अब अगर घोड़ा जो है सरकश है और मुंह जोर है और सवार के काबू में नहीं है, तो उसका मतलब तो यह है कि सवार की जिंदगी उसके रहमो करम पर है, जहां चाहेगा पटक देगा, जिधर चाहेगा निकल जाएगा। लेकिन अगर सवार जो है वो ताकतवर है, मजबूत है, घोड़े के ऊपर उसने काबू किया हुआ है, उसकी दोनों राने जो है वो भी घोड़े को महसूस हो रही है कि मेरी पसलियों के अंदर पूरी कुव्वत के साथ दसी हुई है, लिहाजा वो घोड़ा जो है अब हुक्म मान रहा है अपने सवार का। तो अब ये कि इंसान जो है इस सवारी के जरिए से अपना जो भी मकसद है, जो मंजिल है, वहां तक पहुंच जाएगा। तो हमारी अना या खुदी या सेल्फ, ये ईगो, ये हमारा वो सवार है जो हमारे इस हैवानी वजूद के घोड़े पर, मरकब पर सवार है। अगर तो ये खुद ही मजबूत है, तवाना है, ताकतवर है, कंट्रोल में है, तो ये जो जिस्म है, ये हैवान जो है, ये गोया के अब उसके ताबे हो गया और वो अपने मकसदी जिंदगी के हुसूल के लिए इसको इस्तेमाल करेगा। और अगर ये कमजोर है उसकी अना या खुदी, तो फिर तो वो जिंदगी जो है और उसके हैवानी तकाजे उसे जिस तरह चाहेंगे इस्तेमाल कर देंगे। तो पहली बात हुई कि ये जब्त नफ्स है। और एक बात यहां पर थोड़ी सी और वाजे कर दूं, इस्लाम ने सेल्फ एनिहिलेशन की इजाजत नहीं दी है, सेल्फ कंट्रोल की इजाजत दी है। ये जो राहबाना तसव्वुरात रहे हैं दुनिया के मजाहिब की जो तारीख है, उसमें तो सेल्फ एनिहिलेशन, इस नफ्स को कुचल दो, कुचल दो, कुचल दो, जैसी जैसी तपस्याएं हिंदू योगी करते रहे हैं, या जैसी जैसी रियाजतें रहबान जो होते थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ईसाई राहिब, अगर आप हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन मोनास्टिसिज्म पढ़ेंगे तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितनी तपस्याएं और कितनी रियाजतें सख्त वो लोग करते थे। लेकिन ये इस्लाम में नहीं है, ला रहबानियत फिल इस्लाम। इस्लाम ने तो कहा यह तुम्हारा वजूद, तुम्हारा घोड़ा, इसे इस्तेमाल करो, बस तुम्हारा कंट्रोल इस पर होना चाहिए, तुम इसके ताबे ना हो जाओ, ये तुम्हारे ताबे रहे। यहां तक के हुजूर ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, उनकी एक हदीस भी हमें आज पढ़नी है। हजरत अम्र इब्न अल-आस जो है वो तो बड़े सियासतदान और जर्नैल, वो तो और तरह के इंसान थे मिजाजी एतबार से, और ये जो उनके बेटे हैं अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस, ये इंतहाई जाहिद और आबिद, इंतहाई जाहिद, हर रोज रोजा और पूरी पूरी रात खड़े हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं। तो हुजूर को जब मालूम हुआ, बुलाया, या अब्दुल्लाह अवलम उखबर अन्नका तसूमुद दहर व तकूमुल लैल, ए अब्दुल्ला मुझे तो यह खबर दी गई है कि तुम सारी रात खड़े रहते हो, नमाज पढ़ते हो, ना तुम्हारा सरोकार अपने घर वालों से है, ना बीवी से कोई ताल्लुक है, ना किसी और से है, और पूरा हर रोज रोजा रखते हो। उन्होंने अर्ज किया, बला या रसूलल्लाह, हुजूर ऐसा तो है, कैसे इनकार करते? फरमाया, ला तफअल, हर किस्म ऐसा करो, फाइनल नफ्स का अलैका हक्कन, जरा इस हदीस के इन अल्फाज को नोट, तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है। इस नफ्स को कुचलना नहीं है, इसको किल नहीं करना है, सेल्फ एनिहिलेशन नहीं है, इसका भी हक है।
तुम्हारा हक है कि तुम अपने नफ्स को तग़ज़िया भी फराहम करो, तक़वियत भी दो, इसके तकाज़े पूरे करो, इसके लिए मुनासिब वक़्फ़ा आराम का भी रखो। ये नफ्स के भी हुकूक हैं। वइन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़न वइन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न वइन्ना लिज़ौरिका अलैका हक़्क़न। तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है, तुम्हारे तुम्हारी बीवी का तुम पर हक है, तुम्हारे जो भी आने वाले मिलने वाले हैं, विजिटर्स हैं, ज़ियारत करने वाले, उनका भी तुम पर हक है। तो सबका हक अदा करना है, तो इस नफ्स का भी हक तो अदा करना है, लेकिन इसे कंट्रोल में रखना है। तो पहली बात तो यह समझ में आई कि सौम एज सच, अभी रमजान का हमने कोई तस्करा नहीं किया, ये सौम जो है खाना पीना कुछ अरसे के लिए रोकना, कुछ और अपनी ख्वाहिशात पर कदगल लगाना, ये गोया के एक एक्सरसाइज के तौर पर सामने आई सेल्फ कंट्रोल के लिए। लेकिन इससे अगला मरहला आता है, अगर यह एक्सरसाइज मैंने खुद मुअय्यन की होती तो उसका मसला कुछ और होता, लेकिन चूंकि ये एक्सरसाइज जिसका नाम सौम है, ये अल्लाह ने फर्ज की है, गोया कि अगर मैं कुछ नहीं खा रहा हूं तो इसलिए नहीं खा रहा कि अल्लाह को उसका खाना इस वक्त पसंद नहीं है, मैं अगर नहीं पी रहा हूं तो इसलिए नहीं पी रहा कि अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं है, मेरी मनकूहा बीवी मौजूद है लेकिन मैं अगर उससे इस वक्त हम बिस्तर नहीं हो रहा तो इसलिए नहीं हो रहा कि मेरे रब का हुक्म नहीं है। गोया के अब यहां क्या मामला हुआ कि खुद ही को मजबूत करो लेकिन फिर उसे खुदा के सामने झुका दो। ये जब इंसान की खुद ही मजबूत हो, पहला मरहला तो ये है, अगर आपकी खुद ही मजबूत नहीं है और इय्याके नाबुदु वइय्याके नस्तईन, अंदर से नफ्स कह रहा है कहते रहो तुम इय्याके नाबुदु वइय्याके नस्तईन, मैं तो नहीं मानता हुक्म, तुम झुक भी गए हो रुकू में, तुम्हारा जिस्म तो झुका है, तुम्हारी मानवीय शख्सियत तो अकड़ी हुई खड़ी है, वो झुकने को तैयार ही नहीं। वो जो कहते हैं मौलाना रूम के नफ्स माँ हम कम तरफ फिरौन नीस्त, लेकिन उरा ऑन इरा ऑन नीस्त, मेरा नफ्स भी फिरौन से कोई कम तो नहीं है। फिरौन ने कहा था अलैसली मुल्को मिस्र, क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं है, वह हाज़िल अनहार तजरीम इंतहती, और ये सारा इरीगेशन सिस्टम मेरे कंट्रोल में, जिसको चाहूं पानी दूं, जिसको चाहूं रोक दूं। इसी तरह मेरा जिस्म कहता है, मेरे अंदर का नफ्स कहता है ये मेरा वजूद है, इसमें मेरा हुक्म चलेगा, मैं नहीं जानता क्या हलाल क्या हराम, कौन खुदा क्या उसके आकाम। तो ये जो नफ्स कहता है नफ्स माँ हम कम तरस फिरौन नीस्त, लेकिन उरा ऑन इरा ऑन नीस्त, चूंकि फिरौन के पास लाओ लश्कर भी था, उसने डंके की चोट भी कह दिया अना रब्बुकुम अला, मेरे पास लाओ लश्कर नहीं है, मैं कह तो कुछ नहीं सकता, लेकिन मेरा नफ्स अंदर से यही कहता है कि ये मेरी इकलीम है, ये मेरी सल्तनत है, इस पर मेरी मर्जी चलेगी। इस हवाले से जब तक के इंसान की खुदी जो है काबू याफ्ता नहीं है अपने वजूद पर, उस वक्त तक उसका यह कहना इय्याके नाबुदु वइय्याके नस्तईन बेमानी है, उसका कोई मफहूम ही नहीं। मैं उसकी मिसाल यह दिया करता हूं कि फर्ज कीजिए शहनशाह अकबर का दौर है या शाहजहां का या जहांगीर का, और कोई हिंदू राजा कहीं का था, इससे पहले बागी था, अब वो हाजिर हुआ है सरे इताअत खम करने के लिए, तो इसका ये फेल उसी वक्त बामानी है जब उसकी अपनी हुकूमत उस रियासत में कायम है। अगर मालूम हो कि वो तो वहां बगावत हो चुकी, वहां तो किसी और की हुकूमत है, अब ये आया है इताअत कबूल करने के लिए, तो उसका आना बेमानी है। बिल्कुल यही है हमारा, जब मेरा अपने वजूद पर कंट्रोल ही नहीं तो मैं किस चीज शय को अल्लाह के सामने पेश कर रहा हूं। असलम तो वजही इलैक अल्लाहुम्मा इन्नी वज्जहतु वजही इलैक व असलम तो नफ्सी इलैक, अल्लाह मैंने अपने नफ्स को तेरे सामने झुका दिया है, तेरे सामने सरनगू कर दिया है, वो नफ्स तो मेरा कहना मान ही नहीं रहा। तो पहली बात तो यह है कि खुद ही इतनी ताकतवर हो कि वो अपने वजूद के ऊपर हुक्मरान हो, फिर वो अपनी पूरी शख्सियत के साथ अल्लाह के सामने झुके। जब ये मजबूत और तवाना खुद ही खुदा के सामने अपने आप को गिरा देती है, बिछा देती है, इसका नाम तकवा है, अल्लाह का तकवा। वो कैफियत नफ्स की जिसमें एक यूं समझिए वो शख्सियत जो स्प्लिट नहीं है, जो कि ऑर्गेनिक होल की हैसियत से ये एक शख्सियत है और इसके अंदर उसकी खुदी जो है हाकिम और हुक्मरान है, वो खुदी अब अपने आप को अल्लाह के सामने सरदगू कर रही है और उसने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया है। असलम तो नफ्सी इलैक व फव्वस्तु अमरी इलैक व असनदतु तो ज़हरी इलैक। ऐ अल्लाह, ये रात की दुआ है जब वुज़ू सोते हुए दुआ, जब आप तो अपना रुख कर लेते थे काबे की तरफ दाहिने हाथ करवट लेकर, अल्लाहुम्मा इन्नी वज्जहतु वज्ही इलैक व असलम तो नफ्सी इलैक व फव्वस्तु अमरी इलैक व असनदतु तो ज़हरी इलैक, बड़ी प्यारी दुआ है। लेकिन ये सारी चीजें बामानी उस वक्त होंगी जब आपकी खुदी इतनी ताकतवर है कि अपने वजूद पर हुक्मरान है। तो गोया के जब्त नफ्स, लेकिन उससे आगे बढ़कर जब्त नफ्स के साथ अल्लाह की इताअत,
اور اس کا تقویٰ در حقیقت یہ ہے غرض و غایت اس ریاضت یا عبادت صوم۔